नमस्कार, मैं हरिंदर जीत सिंह आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि 1862 से लेकर 1985 तक की कुछ यादें दिल्ली फायर सर्विस की, कुछ बातें जो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर और फादर से सुनी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक वीडियो के द्वारा। ये वीडियो मेरी तरफ से मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर को एक ट्रिब्यूट है। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन्होंने मेरी हेल्प करी, उनमें श्री एपी शर्मा, अनिल भटनागर जो एक्स डीओ थे उन्होंने, और नवीन सोनी जी ने। इसके अलावा डॉक्टर जीसी मिश्रा जो हमारे पुराने डायरेक्टर थे, एक दिन मेरी उनसे बात हुई, उनको बताया कि मेरे पास इतनी फोटो और रिकॉर्ड्स पड़े हैं, तो उन्होंने कहा आप इनको एक वीडियो के रूप में क्यों नहीं बनाते। तो मेरा ख्याल आया, मैंने कहा कि इसको भी एक वीडियो का रूप दिया जाए, और मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। सर्विस जो मेरे रिकॉर्ड यहाँ देखा था जो मुझे मिला, आई फाउंड दिल्ली फायर सर्विस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1942। कल मोनी के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले मुझे, इससे पता लगा कि दिल्ली फायर सर्विस की स्थापना 1867 में हुई थी। 1867 एंड देयर वर टू स्टेशंस एंड देन 1895 ये परचेज द सेकेंड व्हीकल इन दिल्ली। दीज थिंग्स आर नॉट नोन। आई रिक्वेस्टेड हिम टू शेयर ऑल दोस फोटोग्राफ्स विच ही हैज गॉट और एनी डॉक्यूमेंट विच ही हैज गॉट, सो दैट वी आई कैन राइट अ हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली फायर सर्विस एंड परहैप्स इट वुड बी गुड टू फॉर द पीपल टू नो अबाउट दिल्ली फायर सर्विस। वी ऑलवेज थॉट इट इज सिंस 1942 एंड आई हैव बीन राइटिंग दीज इंफॉर्मेशन इन माई प्रेजेंटेशंस, most of the presentations and also in the government communications that I have made. 1867 से जो हमारी जर्नी है दिल्ली फायर सर्विस की 1942 तक, उसका हिसाब और 65 तक मैंने आई कुड सी अप टू अंटिल 1965। इनके पास काफ़ी कुछ कागज पत्र हैं, फोटोग्राफ्स हैं ओरिजिनल। तो मैं मोनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली शेयर presence with me so that we can write or rewrite the history of Delhi Fire Service. इस वीडियो के अंदर मैंने उस ब्रिटिश टाइम के अंदर जो पहला डेमोस्ट्रेशन हुआ था मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था कनॉट प्लेस एरिया में, उसकी फोटो डाली है। फायर स्ट्रीट अलार्म उस टाइम कैसे हुआ करते थे उसकी फोटो डाली है। 26 जनवरी 1950 में जब दिल्ली फायर सर्विस में कैसे झंडा चढ़ाया गया, कैसे परेड फालिन हुई उसकी फोटो डाली है। पुराना कंट्रोल जो सीसी फायर स्टेशन में होता था उसकी फोटो है। इसके अलावा दिल्ली अपने फायर सर्विस में एक फ्लड आया था उसकी फोटो है। पुराना हेडक्वार्टर कैसे बना था उसकी फोटो है। इसके अलावा और भी कई अच्छी फोटो हैं, कैसे पुराने टाइम में ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्रिटिश पीरियड में कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी फायरमैन्स को, उसकी फोटो और बहुत ही अच्छी फोटोएं हैं इसके अंदर जो कि आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो फायर इंजन अंग्रेजों ने मंगाया वो 1862 में मंगाया। दूसरा फायर इंजन दिल्ली के अंदर 1895 में आया और तीसरा फायर इंजन 1909 के अंदर। इसके अलावा दिल्ली के अंदर तीन स्टीम फायर इंजन भी हुआ करते थे। एक था सदर बाजार में, दूसरा चांदनी चौक के अंदर और तीसरा लाहौरी गेट के अंदर। ये सभी जो फायर इंजन्स थे ये पुलिस के अंडर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर हुआ करते थे। ।1921 में अंग्रेजी सरकार ने स्टैब्लिश फायर ब्रिगेड बनाने की सोची और इसको सर्विस को डीएफबी के नाम से करा, दिल्ली फायर ब्रिगेड।
और दो स्टेशन बनाए गए, एक ओल्ड दिल्ली के अंदर और दूसरा एनएमसी एरिया न्यू दिल्ली के अंदर। ओल्ड दिल्ली के अंदर जो फायर स्टेशन था उसका फायर ऑफिसर एक ब्रिटिश था, और न्यू दिल्ली के अंदर जो फायर स्टेशन था उसके इंचार्ज मेरे ग्रैंडफादर सरदार ईश्वर सिंह हुआ करते थे। उनका कहना था कि उस टाइम इतनी आग वगैरह नहीं लगा करती थी। जो कनॉट प्लेस था ये एक शॉपिंग सेंटर था अंग्रेज़ों का, यहाँ पर वो शॉपिंग वगैरह करने के लिए आया करते थे। जब भी कोई वायसराय वगैरह कनॉट प्लेस एरिया में आता था तो हमारी गाड़ी जाकर उससे पहले सड़कों पर पानी वगैरह डाला करती थी। 1930 के अंदर दो और फायर स्टेशन खोले गए, एक शाहदरा में और दूसरा पूसा के अंदर। 1942 के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रुतबा मिला सर्विस को, और एक और स्टेशन खोला गया शाहजहां रोड पर। इस टाइम हमारी जो स्ट्रेंथ थी 5 फायर स्टेशन हुआ करते थे और टोटल मैन पावर हमारे पास थी 186। के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो एक और फायर स्टेशन खोला गया सेंट्रल सेक्रेटरिएट में। जिसको कि बाद में शिफ्ट करके चनकपुरी फायर स्टेशन में कर दिया गया था। में हमारे पास एक चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे अर्जुन भान अडवाणी, उनके नीचे थे एक डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एच जी टेरी जो ब्रिटिश थे, और उनके नीचे 7 स्टेशन ऑफिसर हुआ करते थे, जी एस कश्यप, दीवान कुंदन सिंह, श्याम सुंदर लाल शर्मा, मनोहर लाल भट्टागर, मदन मोहन शर्मा, मनोहर लाल और एम खान, और साथ ही सब ऑफिसर हुआ करते थे गुरबख सिंह, देवीराम, कलीराम, जिले सिंह, जोगिंदर सिंह, मोहम्मद बनारस और रब निवास खां। इस टाइम जो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ थी 207 के करीब थी, और हमारे पास 7 फायर स्टेशन होते थे जिसमें इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर। ये जो 16 फायर ऑफिसर थे ये उस टाइम दिल्ली फायर सर्विस की एक तरह की नींव थे। ये अच्छे फायर फाइटर तो थे ही, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे इनको नॉलेज थी वर्कशॉप वगैरह की और ट्रेनिंग्स की काफ़ी नॉलेज थी। कहा जाता है उस टाइम कभी भी फायर हुआ करती, कई बार मीडियम फायर वगैरह हुआ करती थी, गाड़ियाँ नहीं हुआ करती, तो वो जो ये जो फायर ऑफिसर थे ये एक टंकी और एक वाटर टेंडर से मीडियम फायर तक बुझा लिया करते थे। के अंदर हेडक्वार्टर में पहला ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया जो बाद में शिफ्ट होकर सीसी फायर स्टेशन में आ गया था। उस टाइम इस ट्रेनिंग स्कूल के पहले इंचार्ज थे सरदार जोगिंदर सिंह जो मेरे फादर थे। 1950 के अंदर जो हमारे कुछ फायर ऑफिसर्स को पुलिस की ट्रेनिंग दी गई, क्यों दी गई, क्योंकि उस टाइम पार्टीशन था, जगह जगह आग वगैरह लगा रहे थे, आग वगैरह लगाने से हमारी गाड़ियाँ जाती थी, उनको बुझाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उनको पुलिस की ट्रेनिंग दी गई और साथ में उनको पिस्टल इशू की गई। फर्स्ट टाइम फायर ऑफिसर्स को पिस्टल वगैरह दी गई। इसके अंदर मैंने पहले रिपब्लिक डे 1950 में जब हेडक्वार्टर में मनाया गया उसकी फ़ोटो भी डाली है, जिसमें सारा स्टाफ इकट्ठा होकर झंडा वगैरह चढ़ाया, उसकी फ़ोटो भी डाली है। 1952 के अंदर क्रांत प्लेस फायर स्टेशन को रीबिल्ट किया गया, उससे पहले जहां पर आजकल टावर है वहां से पे स्टेशन हुआ करता था, और पीछे 12 क्वार्टर्स वगैरह हुआ करते थे, और साइड में 2 और क्वार्टर थे और 2 गैरेज थे, आगे सब खुला था। इसको 1952 में रीबिल्ट किया गया, और इसमें पहले जो स्टेशन फायर अफसर थे वो थे मनोहर लाल भट्टागर, जो कि हमारे एक्स डिविजनल ऑफिसर रिटायर हुए हैं
अनिल भटनागर उनके फादर थे। 1952 में ही फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस में वाटर सेक्शन स्टार्ट किया गया। इसके पहले वाटर ऑफिसर थे बी गंगोली। बी गंगोली जो थे एक इंजीनियर थे कॉरपोरेशन के अंदर, इन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी वाटर लाइंस वगैरह बिछाई थी, उनका नक्शा वगैरह बनाया था। तो उस टाइम के जो चीफ फायर ऑफिसर थे उन्होंने उनको कॉरपोरेशन से दिल्ली फायर सर्विस में लेके आए और वाटर ऑफिसर्स का पोस्ट क्रिएट करी। इन्होंने यहाँ आकर हाइड्रेंट्स बनवाए, स्टडी टैंक वगैरह बनवाए। अब वीकली हाइड्रेंट चेकिंग हुआ करती थी, इससे ये होता फ़ायदा होता था कि एक तो इस एरिया की टॉपोग्राफी वगैरह भी पता लगती थी स्टाफ को, और साथ में हाइड्रेंट चेकिंग वगैरह भी हुआ करता था। 1952 में ही TFE स्टार्ट हुई, क्योंकि इतनी फायर हुआ नहीं, कई स्टेशनों पर फायर हुआ नहीं करती थी। तो वहाँ का जो स्टेशन ऑफिसर हुआ करता था वो महीने में एक बार TFE कराया करता था, ताकि स्टाफ को एक्सरसाइज होती रहे। 1952 में ही सर्विस के अंदर पंपिंग शुरू की गई। हफ्ते में एक बार पंपिंग हुआ करती थी, उसमें पंप वगैरह टेस्ट किया होता था, गाड़ी स्टार्ट कर पंप वगैरह चला कर देखा जाता था। और 1953 में झांसी रानी रोड फायर स्टेशन बना। पहले इसका नाम MM रोड फायर स्टेशन था, बाद में इसको झांसी रानी रोड फायर स्टेशन का नाम दिया गया। पहले फायर ऑफिसर M लाल थे वहाँ के स्टेशन ऑफिसर। 1954 में जो शाहजहाँ रोड पे फायर स्टेशन था उसको अब सफदरजंग एयरपोर्ट के पास ले आए थे, वहाँ फायर स्टेशन खोला गया। उसका नाम सफदरजंग फायर स्टेशन रखा गया, जो आजकल जोरबाग के नाम से जाना जाता है। और 1955 के अंदर फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस की रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ। उस टाइम जो हमारी कम से कम 15 गाड़ियाँ फायर उसमें परेड में थी, जिसमें मोटरसाइकिल्स थे, जीपें थी, स्केब लैडर वगैरह था, हॉर्स टेंडर वगैरह थी। तो उसकी फ़ोटो भी मैंने इसके अंदर डाली है। 1957 में जो सेंटर सेक्टरी में जो फायर स्टेशन था उनको चाणकपुरी में ले आए और उसको चाणकपुरी फायर स्टेशन का नाम दिया गया। 1958 में दिल्ली के अंदर फ्लड आया था, यमुना के अंदर फ्लड आया था, जिस कारण हमारे हेडक्वार्टर और CC फायर स्टेशन एक एक मंजिल तक डूब गया था, कई रिकॉर्ड वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। 1959 में दिल्ली फायर सर्विस में फायर परमिशन सेक्शन स्टार्ट किया गया। इसके पहले इंचार्ज थे ML भट्टागर। और 1959 के अंदर फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस के अंदर रेडियो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ। सर्विस में 2 ऑटो टेलीफोन दिए गए फायर को लेने के लिए, जिनके नंबर हुआ करते थे 728 और 576। इसके अलावा 100 के करीब 100 स्ट्रीट फायर अलार्म भी लगाए गए। कई जगह भीड़ वाली एरिया में, जैसे पहाड़गंज है, डिलाइट है, रिगल है, और कई जगहों पर 100 स्ट्रीट फायर अलार्म लगाए गए। इसमें क्या होता था, इसके अंदर एक हैंडल लगा होता था और उसके ऊपर एक शीशा लगा होता था, शीशे को तोड़ के हैंडल घुमाया जाता था, तो स्टेशन पर एक बॉक्स बोर्ड लगा होता था, उसके फ्लैप गिर जाता था और एरिया और अलार्म बजने लग जाता था, और उस एरिया का पता लग जाता था कि इस एरिया में आग लगी है, तो हमारी गाड़ी जाती थी और वहाँ पर पहुँच जाती। लेकिन ये इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कई लोग क्या करते थे, हैंडल घुमा के भाग जाते थे, गाड़ी जाती थी पता नहीं लगता था। फिर कॉरपोरेशन ने क्या किया, उसके अंदर लॉक सिस्टम लगा दिया कि भाई जो भी इसको हैंडल को घुमाएगा और उसका हाथ लॉक हो जाएगा, जिससे कई लोग बेहोश हो जाते थे, इसलिए ये इतना कामयाब हुआ नहीं और तो इसको बंद करना पड़ा। इसकी फ़ोटो भी मैंने इसके अंदर डाली है। 1959 के अंदर हमने 2 बोट्स खरीदी दिल्ली फायर सर्विस में। पहले फ्लड आया था, हमारे पास बोट नहीं थी, बाहर से मंगानी पड़ी। 59 के अंदर हमने 2 बोटें खरीदी। और 1961 के अंदर हमारे पास 2 ट्रंटेबल लेटर खरीदे गए। हाँ, एक 1959 में 2 एम्बुलेंस भी दी गई थी हमारे पास, जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस वालों ने दी थी। एक हेडक्वार्टर में खड़ी होती थी और दूसरी GR रोड फायर स्टेशन में, इसमें उन्हीं का स्टाफ हुआ करता था।
1960 के अंदर जो हमारा वर्कशॉप था, पहले हमारी जो गाड़ियां जाया करती थी वो एमसीडी के वर्कशॉप, सेंट्रल वर्कशॉप में जाया करती थी ठीक होने के लिए। लेकिन 1960 के अंदर हमने अपना वर्कशॉप खोला, जिसके पहले इंचार्ज थे स्टेशन ऑफिसर गुरबख्श सिंह, उनके साथ जो जितने भी स्टाफ थे उनका, एक हैंड मैकेनिक थे हकीकत सिंह, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करके उनको बता दें तो वो बताए थे इसमें ये नुकसान है, और उनको इतनी नॉलेज थी कि उनको बाहर कईयों ने अप्रोच करी कि दिल्ली से बाहर आइए, लेकिन उन्होंने दिल्ली फैसल्स नहीं छोड़ी। उस टाइम जितने भी वहाँ वर्कशॉप स्टाफ था वो इतना मेहनती था, लीलाधर हुआ, दुर्गा प्रसाद वगैरह हुए, ये एक दिन से ज़्यादा वर्कशॉप में गाड़ी नहीं रोकते थे। 1962 के अंदर जो हमारा कंट्रोल पहले जो हेडक्वार्टर में हुआ करता था शेड के अंदर, वो क्योंकि हेडक्वार्टर द्वारा तोड़ के बन रहा था, उसको शिफ्ट करके सीसी फायर स्टेशन में ले गए थे, और फर्स्ट टाइम हमारे जो चीफ फायर ऑफिसर थे उन्होंने लेडी स्टाफ भर्ती किया, जो फायर डिपार्टमेंट में पूरे इंडिया के फायर डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम दिल्ली के अंदर अपॉइंट किए गए थे फायर डिपार्टमेंट में लेडी स्टाफ। और 1962 के अंदर ही जब चाइना वार हो रहा था तो पुलिस को 100, दिल्ली फायर सर्विस को 101 और एम्बुलेंस को 102 दिया गया फायर कॉल लेने के लिए। 1962 के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई और 6 और नए फायर स्टेशन खोले गए, एक मोतीनगर में, एक रकाबगंज में, एक जामा मस्जिद में, एक तेलीवाड़ा में, रूपनगर में और मथुरा रोड में। 1962 में जब चाइना वार चल रही थी तो इलेक्ट्रिक फायर सर्विस शुरू की गई, इसके अंदर सिविलियन को फायर सर्विस की ट्रेनिंग दी जाती थी, एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम, कोई भी सिविलियन आकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता था। ट्रेनिंग चार्ज हमारे फादर हुआ करते थे सरदार जोगिंदर सिंह, सीसी फायर स्टेशन में ये ट्रेनिंग दी जाती थी, और इसकी फ़ोटो भी मैंने इसके अंदर डाली है। 1962 में जब चाइना वार हो रही थी तो हमारी डिपार्टमेंट की लेडीज़ ने भी उस टाइम फूड वगैरह, फूड के डब्बे और खाने पीने का सामान हमारे फौजियों को भेजा गया, तो भी मैंने इसके अंदर डाली है। 1962 में ही हमने, हमारे पास 13 फायर स्टेशन हुआ करते थे और जिसमें टोटल स्टाफ था 590। 1963 के अंदर एक और नया ट्रेनिंग सेंटर, सेकंड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया नया, वो मोतीनगर के अंदर, जिसके इंचार्ज जेसी शर्मा थे। 1965 में जब दोबारा पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई तो हमारे यहाँ से एक फायर पोस्ट कश्मीर में बनाई गई, जिसमें यहाँ से कुछ ऑफिसर्स और स्टाफ और पंप्स वगैरह वहाँ पे गए थे, वहाँ पे फायर पोस्ट बनाई गई। 1967 के अंदर जब हेडक्वार्टर नया बना, इसके अंदर नया हॉस्टल, जनरल ऑफिस, सीएफओ, डीसीएफओ के ऑफिसेज, नया कंट्रोल वर्कशॉप बनाया गया। 67 में जब दोबारा कंट्रोल इधर आया तो कहते हैं कि वो उस टाइम का एशिया का सबसे बेस्ट कंट्रोल माना जाता था, कंट्रोल रूम। इसके अंदर अलग अलग बोर्ड्स हुआ करते, डिस्प्ले हुआ करते थे फायर के लिए, कितने इंसिडेंट चल रहे हैं उसका डिस्प्ले बोर्ड अलग होता था, व्हीकल का अलग होता था, ऑफिसर्स की क्या मूवमेंट है उसका अलग होता था, कौन सी गाड़ी ख़राब है, कौन सी फायर के लिए टर्नआउट पे है उसका अलग मेंशन किया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड होता था, रैंक्स बोर्ड हुआ करते थे, हॉटलाइंस हुआ करती थी, बहुत अच्छा कंट्रोल रूम माना जाता था उस टाइम पर। ये उस टाइम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारे हेड तो वैसे कमिश्नर हुआ करते थे, उनके नीचे थे चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, कम्युनिकेशन विंग था, वेलफेयर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्लानिंग थी, वाटर सेक्शन था, वर्कशॉप था, फायर प्रिवेंशन विंग था, स्टोर था। इसके अलावा ऑपरेशनल के अंदर थे, दो डिवीज़न बनाए गए थे, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न, उनके अंदर एक डीओ होता था, एक एडीओ हुआ करता था।
ए डिवीजन के अंदर सीसी फायर स्टेशन होते थे, चाणकपुरिया होता था और सफदरजंग होता था, शंकर रोड होता था, मथा रोड और हेडक्वार्टर। और बी डिवीजन के अंदर एस वी मार्ग, मोतीनगर, शाहदरा, जी आर रोड, जामा मस्जिद, रूपनगर और तेलीवाड़ा। ये हमारे रैंक हुआ करते थे ड्राइवर से लेकर चीफ फायर ऑफिसर तक। '68 में फायर वालों को 14 अप्रैल गवर्नमेंट ने फायर सर्विस डे के रूप में मनाने का वो दिया कि 14 अप्रैल को पूरी इंडिया के अंदर फायर सर्विस डे मनाया जाएगा। इस दिन शुरू एक पहले एक हफ्ता का मनाया जाता था, एक हफ्ते का लास्ट के जो दो दिन हुआ करते थे, एक दिन जो परेड हुआ करती थी रेड फोर्ट से चला करती थी और दूसरे दिन जो 14 अप्रैल वाले दिन जो राजपथ से सीसी फायर स्टेशन आया करते थे, इसमें परेड के अलावा अपने फायर के अप्लाइंसेस वगैरह डिस्प्ले किए जाते थे। इस हफ्ते के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, फिल्म शो ये सभी तो होते थे और जगह जगह ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती थी फायर की। 1968 में फैंसी ड्रेस और स्पोर्ट्स डे शुरू किया गया। इसके अंदर जो फायर के स्टाफ के बच्चे, फायर स्टाफ और उनकी मिसेज वगैरह पार्टिसिपेट करते थे फैंसी ड्रेस में। और इसके अलावा स्पोर्ट्स हुआ करती थी सर्विस के अंदर। स्पोर्ट्स में टग ऑफ वार और कबड्डी, वॉलीबॉल, इसके अलावा वर्कशॉप और ड्राइवर्स के लिए एक अलग कंपटीशन हुआ करता था, टायर चेंजिंग कंपटीशन। उसमें यह होता था कि एक लिमिटेड पीरियड में गाड़ी का टायर खोलकर उसको चेंज करना है, वो टाइम नोट होता था। इसके अलावा उसके अंदर साल में एक बार कमिश्नर ट्रॉफी दी जाती थी, इंस्पेक्शन डे होते थे, स्टेशन इंस्पेक्शन हुआ करती थी। उसके अंदर जो भी स्टेशन इसका रिकॉर्ड और उसकी सफाई वगैरह में बेस्ट होता था उसको कमिश्नर ट्रॉफी दी जाती थी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने इसके अंदर डिस्प्ले की है। 1968 के अंदर हमारे पास पहली बार वायरलेस सिस्टम आया, MCF से हमने वायरलेस सिस्टम लिया। इसका एंटीना हमने फर्स्ट टाइम आकाशदीप के ऊपर लगाया था, क्योंकि उस टाइम इतने लंबे टावर वगैरह होते नहीं थे। आकाशदीप काफ़ी लंबी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, वहाँ पर हमने वायरलेस का फर्स्ट टाइम टावर लगाया था। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो एक और कंट्रोल रूम बनाया गया था सिविल डिफेंस की तरफ से मानक भवन में, जिसमें हमारे ऑफिसर और कंट्रोल स्टाफ ड्यूटी दिया करता था। 1973 के अंदर सर्विस के अंदर फर्स्ट टाइम पाइप बैंड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके पहले बैंड मास्टर थे सरदार गुरदयाल सिंह। 1978 के अंदर हमने दो और नए फायर स्टेशन खोले, एक गीता कॉलोनी के अंदर और एक लॉरेंस रोड के अंदर। 1980 के अंदर दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल चीफ फायर ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई विज्ञान भवन के अंदर, उसकी फ़ोटो भी मैंने इसमें डाली है। 1981 में हमने दो स्नॉर्केल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सर्विस में ऐड किए फायर के लिए। इसके अंदर मैं 1982 में पंजाबी बाग में जो मेजर फायर हुई थी उसकी फ़ोटो भी डिस्प्ले करी है। इसके साथ ही 1983 के अंदर फर्स्ट टाइम मल्टी स्टोरी फायर हुई थी एक गोपाला टावर के अंदर, जिसमें हमने 500 आदमी को रेस्क्यू किया था और एक फायर ऑफिसर हमारा शहीद हुआ था। फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ किया गया था मल्टी स्टोरी फायर के अंदर, उसको भी मैंने इसमें डिस्प्ले किया है। उस टाइम जो मीडियम फायर का टर्नआउट होता था 8 वाटर टेंडर और 2 बाउजर का होता था, और जो सीरियस फायर का टर्नआउट होता था वो 12 वाटर टेंडर और 4 बाउजर होते थे। चलिए अब आपको फोटो ही दिखाता हूं मैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं अगला जो वीडियो बना रहा हूँ पार्ट टू, वो 1986 से लेकर 2018 तक का। और इस वीडियो के अंत में मैं उनका दोबारा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसको बनाने में सहायता करी, श्री एपी शर्मा जी का, खासकर अनिल भटनागर का, जिन्होंने हर टाइम मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती तो हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा डिस्कस करते थे, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है उनका। उम्मीद है आपको ये सीडी, माफ़ कीजिए, वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको जरूर शेयर करिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रही है, उसका इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद।